हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको जिस शहर के सफर पर ले जा रही हूँ वहाँ की नेचुरल ब्यूटी की बात ही कुछ और है, और ये अपने फोक डांस और खूबसूरत कल्चर्स के लिए पूरे झारखंड में जाना जाता है। दोस्तों यहाँ की वादियाँ जितनी खूबसूरत है उतने ही खूबसूरत यहाँ के लोग। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खजाने से भरपूर शहर चाईबासा शहर के बारे में, जिसकी खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक और पारंपरिक इतिहास बिल्कुल अनोखी है, और यहाँ की वेशभूषा राज्य को कई रंगों में प्रदर्शित करती है। यहाँ के स्थानीय और जनजातीय लोगों की संस्कृति, कला और धर्म का मिश्रण प्राचीन भारत के उदाहरण को प्रदर्शित करता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों हमारे चैनल को हर रोज चेक करने की आदत बना लीजिए, क्योंकि आप हमारा रोचक और ज्ञान से भरे वीडियो को मिस करने के रिस्क नहीं ले सकते। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। चाईबासा झारखंड प्रांत के पश्चिम सिंहभूम जिले का मुख्यालय है, जो कि खूबसूरत पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ के कल्चर को राज्य का एक अहम हिस्सा माना जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पश्चिम सिंहभूम झारखंड का सबसे पुराना जिला है। 1837 में कोल्हान पर ब्रिटिश विजय के बाद एक नए जिले को परिणाम स्वरूप सिंहभूम के रूप में जाना जाने लगा। बाद में सिंहभूम को पूर्व सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसवां तीन जिलों में विभाजित कर दिया गया। और दोस्तों पश्चिम सिंहभूम जिले का मुख्यालय चाईबासा को ही रखा गया। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग चाईबासा शहर की कुल जनसंख्या 69,565 है। यह राजधानी के बड़े शहर रांची से 140 किलोमीटर, जमशेदपुर से 65 किलोमीटर और चकलधरपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। दोस्तों चाईबासा में कई धर्मों के लोग निवास करते हैं और सभी धर्मों के लोगों का अपना एक अलग ही कल्चर है। धार्मिक दृष्टिकोण से चाईबासा शहर में 70.1 हिंदू, 25.2 मुस्लिम, 5.05 अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। दोस्तों चाईबासा को एक हरा भरा शहर कहा जाता है, क्योंकि चाईबासा में हरियाली की कोई कमी नहीं है और चाईबासा में खेती को बहुत ही अहम तौर पर देखा जाता है। यहाँ का मुख्य फसल धान, मक्का और मड़ुआ है। यहाँ के लोग बड़े ही मेहनती होते हैं और ये अपने मेहनत के दम पर ही आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। चाईबासा शहर सड़क और रेलवे मार्ग से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। बात की जाए चाईबासा रेलवे स्टेशन की, तो चाईबासा रेलवे स्टेशन पर हावड़ा से मुंबई जाने वाली कई सारी ट्रेनें यहाँ रुकती है, और यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट रांची में लोकेटेड है। वेल दोस्तों जब बात होती है खाने पीने की, तो यहाँ के लोग बहुत ही शौकीन होते हैं इस मामले में। यहाँ के फेवरेट स्ट्रीट फूड में आपको समोसा, आलू चॉप, वेजिटेबल चॉप, लिट्टी, मोमोज, पानी पूरी जगह जगह देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं वो तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन की, जिसके बिना चाईबासा शहर का भ्रमण अधूरा है। दोस्तों सिटी के बीचों बीच एक कचहरी तालाब है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, जो कि यहाँ के लोगों के बीच में बहुत ही फेमस है। और यहीं पर एक पार्क भी मौजूद है जो बहुत ही खूबसूरत है। इसके साथ आप रूमटा गार्डन, लूथरन झील, बागबिल्ला घाटी, हकुयाम वाटरफॉल यहाँ के फेवरेट टूरिस्ट प्लेसों में से एक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, चाईबासा और इसके आसपास के इलाके खनिज संसाधनों से भरे पड़े हैं। रूमटा माइंस लिमिटेड कंपनी का मुख्यालय भी यहीं स्थित है, जो कि झारखंड उड़ीसा सीमा में लौह अयस्क और मैग्नीज का खनन करती है। चाईबासा का लिटरेसी रेट लगभग 80% है, और जिससे ये पता चलता है कि यहाँ के मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे वर्ग के हैं। बात की जाए यहाँ के प्रमुख शिक्षा संस्थान की, तो यहाँ के प्रमुख शिक्षा संस्थानों में कोल्हान यूनिवर्सिटी, महिला कॉलेज, टाटा कॉलेज, चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज, संत जेवियर स्कूल, एसपीजी मिशन स्कूल प्रमुख है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों अब चाईबासा की किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर झारखंड के कौन से प्लेस से इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक में फॉलो नहीं किया है तो मुझे फॉलो कर ले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखें। धन्यवाद।